किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र दलाल, मैं प्रोफेसर पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस हिसार। मैं आपको पोल्ट्री पालन संबंधी जानकारियां देना चाहूँगा। हमारे यहाँ लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अंदर हम तीन उद्देश्य के लिए मुर्गी का पालन पोषण यहाँ कर रहे हैं। मेन तीन उद्देश्य के लिए मुर्गी पालन किया जाता है किसान भाइयों। नंबर एक, मुर्गी पालन फॉर एग प्रोडक्शन। दूसरा, मांस के लिए मुर्गी पालन। और तीसरा, मांस और अंडा उत्पादन दोनों के लिए मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जाता है। हमारा विश्वविद्यालय इन तीनों उद्देश्यों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ कार्यरत है। हमारे पास मुर्गियों की मुख्यतः 7 स्ट्रेन और ब्रीड यहाँ पर हमारे फार्म पर उपलब्ध हैं, जिनके चूजे हम समय समय पर आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास जो अंडा उत्पादन के लिए हैं, वो उनकी दो नस्लें हैं, दो स्ट्रेन्स हैं। दोनों स्ट्रेन्स हमारी कम एक साल के अंदर उनका अंडा उत्पादन 300 अंडे के करीब वो उत्पादन दे रही है यहाँ पर। मांस उत्पादन के लिए भी हमारे पास दो स्ट्रेन हैं, जो कि कलर्ड ब्रायलर्स बोले जाते हैं। वो हमारा यहाँ 6 वीक पर 1600 ग्राम बॉडी वेट्स दे रही है और उनकी फीड एफिशिएंसी 2 किलो से नीचे पर किलो वजन उत्पादन हासिल करने में आती है, तो वो अच्छी है नस्ल हमारी। दो हमारे पास यहाँ देसी नस्लें हैं, एक असील है, एक कड़कनाथ है, जो कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर काम आती है। जो भी फार्मर जो 20-25 मुर्गियाँ घर में पालते हैं, उनको हम इन नस्लों के चूजे उपलब्ध कराते हैं समय समय पर। जिस किसान भाई को भी चाहिए, वो पशु आनुवंशिक एवं प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं किस समय चूजे उपलब्ध हम करा सकते हैं, तो ये हम चूजे उपलब्ध कराएंगे आपको। किसान भाइयों, जो किसान भाई अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहता है, उसको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चूजे किसी भी हैचरी से लेके आए, कम से कम उस स्ट्रेन का अंडा उत्पादन 300 अंडे से कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपका फार्म इकोनॉमिकल रहे। अगर मांस के लिए कोई भी किसान भाई जो फार्म खोलना चाहता है, तो जो 6 वीक पर बॉडी वेट है ब्रायलर का, वो कम से कम 2 किलो से ऊपर होना चाहिए। आजकल तो 2.5 किलो तक आ रहा है, जो कि जो कॉमर्शियल ब्रायलर्स होते हैं। और जो दोहरी नस्लें हैं, उसमें आप असील है, कड़कनाथ है, और दूसरी जो नस्लें तैयार की गई हैं छैबरों से भी है, हमारी लुआस भी एक प्रोग्रेस में है कि एक नस्ल हम तैयार कर रहे हैं, जो कि दोहरी नस्ल है, जो कि अंडे के लिए भी और मांस के लिए भी। और वो हमारी नस्ल कम से कम 200 अंडे जो है ना साल के अंदर फार्मर्स के फील्ड पर दे सकती है। आमतौर पर हमारी देसी नस्लें किसान भाइयों वो 100 से 125 अंडे देती हैं, और जो हमने तैयार की वो नस्ल भी उसमें जो करने जा रहे हैं, अभी तैयार हमारी पूर्णता नहीं हुई है, लेकिन वो भी हमारी जो है अंडे का जो कलर है वो ब्राउन है, जो देसी एग का होता है। लेयर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए जो हमारी नस्लें हैं, उसका जो एग का वेट है वो 54 ग्राम के करीब है, जो कि ऑप्टिमम बोला जाता है। तो कुछ मैं बातें और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, जो शुरू में जो मुर्गी पालन के अंदर जो है, पहले 6 सप्ताह के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें जैसे ही आप चूजे को हैचरी से, किसी भी हैचरी से लेके आओगे, तो पहले अपने ब्रूड हाउस को तैयार कर लीजिएगा। 24 घंटे पहले उसको पहले तैयार कर लीजिएगा, उसका तापमान मेंटेन कर लीजिएगा। पहले सप्ताह के अंदर ब्रूडिंग के अंदर, सर्दियों में खासकर, जैसे अब सर्दी का सीज़न आने वाला है, तो ऐसे सीज़न में खासकर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि तापमान उचित मात्रा उसमें दिया जाता है। पहले सप्ताह के अंदर 95 डिग्री फारेनहाइट तापमान दिया जाएगा, उसके बाद हर सप्ताह 5 डिग्री फारेनहाइट आप तापमान को घटा सकते हैं, और जब वो 70-75 डिग्री फारेनहाइट आ जाए, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। तो ये एक विशेष ध्यान चूजों के लिए रखना पड़ता है। जैसे ही हैचरी से किसान भाई चूजे लेके आओ, तो सबसे पहले उनको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें गुड़ और मिला दें तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। थोड़ा बी कम्प्लेक्स भी डाल दें आते ही पहले, और पहले जो है ना वो जो पोलोथीन शीट बिछा के या अखबार बिछा के, उस पर दाना
चूजों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। एक लीटर का विशेष ध्यान रखा जाता है, खासकर सर्दियों में लीटर गीला हो जाता है, तो उसमें लीटर को कुरेदते रहना चाहिए। लीटर की जो डेप्थ होती है वो किसान भाइयों, लीटर का मतलब मेरा बिछावना है, बिछावने से है, बिछावना किसी भी स्थानीय जो आराम से उपलब्ध हो सके उस वस्तु का बिछावना आप बिछा सकते हो। जैसे गेहूँ है, जो है, जई है, उसकी तूड़ी भूसा आप ले सकते हो, आप सूखी घास काट के डाल सकते हो, गन्ने की खोई डाल सकते हो, लकड़ी का बुरादा इत्यादि, ये चीज़ें आप बिछावने में यूज करोगे। और बिछावने की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो 2 से 3 इंच से ले कर शुरू में, और वो फिर 6 इंच तक बड़े जब हो जाए वो 6 इंच तक चलती है। एक लाइट का आप किसान भाई विशेष ध्यान रखें, लाइट जो है वो 6 वीक तक जो है 24 घंटे ब्रायलर्स को या कोई भी बर्ड्स हो उसको उपलब्ध कराई जाती है। और जब 6 से आगे चलते हैं तो लाइट जो है ना, दिन की लाइट ही सफिशेंट होती है, वो बहुत होती है। फिर जब आपकी मुर्गी 18 वीक की हो जाए, जबकि अंडा उत्पादन स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पर लाइट को हम 16 घंटे करना होता है। तो 10 घंटे की 11 घंटे की अमूमन ये डे लाइट मानी जाती है, तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को आपने आर्टिफिशियल लाइट देनी पड़ेगी, ताकि अंडा उत्पादन पर कोई असर ना पड़े और अंडा उत्पादन उचित मात्रा में आप ले सकें। तो इन चीज़ों का अगर किसान भाइयों आप अगर विशेष ध्यान रखोगे तो अपने मुर्गी फार्म से उचित लाभ कमा सकते हो। धन्यवाद।